शान साहब के साहबजादे इस महफिल में मौजूद थे और जाहिर है औलाद मोहब्बत करती है वालदेन से, मगर जैसी मोहब्बत शान को शान साहब से है उसका अंदाजा मुझे तकरीबन एक साल हो गया उनसे मिलते हुए कि मैं उसको बता नहीं सकता। कौमी एयरलाइन में कप्तान है और उसके बावजूद इतना वक्त निकाल लेते हैं, यहां मौजूद है तशरीफ लाते हैं शायान। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा और पीटीवी का कि उन्होंने ये महफिल सजाई बके लिए। एक चीज की मैं तस्दीक करना चाहूंगा, यहां पर जनरल साहब ने कहा कि वो अपने सूट भूल गए, लेकिन वो सूट नहीं भूले थे, वो एक जूते का पैर अपना भूल गए ट्रेन के अंदर, क्योंकि उससे पहले एक साहब से कह चुके थे यार हम ही भूलते हैं, कोई साहब देखो अपना जूता छोड़ के चले गए, और असल में वो जूता उनको अपना था लेकिन मारे शर्म के वो जूता उठाया नहीं उन्होंने, तो किस्सा ये था। बहरहाल मैं से कुछ जाती जिंदगी के बारे में बात कर सकता हूँ, इल्मी काबिलियत के काबिल नहीं हूं कि इस पर कुछ तबसर करने के लिए, लेकिन मैंने उनको जो पढ़ा है उनके इंतकाल के बाद पढ़ा है, मैंने महसूस किया कि बहुत कमाल पसंद आदमी थे। ये लफ्ज मैंने अंग्रेजी की डिक्शनरी से चुना है क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूं कि जब उर्दू बोलूं तो उर्दू बोलूं और जब अंग्रेजी बोलूं तो उसमें उर्दू का लफ्ज शामिल ना हो। यही वो चाहते थे कि उर्दू जबान बहुत अमीर जबान है, इसमें बहुत सी अच्छी जबानों का को शामिल किया गया है, लेकिन वो चाहते थे कि इलाकई जबानें जो हैं पंजाबी बलोची सिंधी और पश्तो इसके लफ्ज शामिल हों लेकिन अंग्रेजी मिला के उर्दू ना भूली जाए। बहरहाल मैं ये कहूंगा कि वो जो मैंने उनको पढ़ा वो देखा कि वो बहुत प्रोफेशनिस्ट थे, कमाल पसंद जिसे कहते हैं, और जैसे एक उन्होंने तजुर्बा किया है भगवत गीता का। मैं लंदन में गया था उनकी याद में जलसा हुआ था, वहां एक साहिबा आई जो हिंदुस्तान से आई थी, शी वॉज डॉक्टरेट पीएचडी थी और नेहरू सेंटर की हेड थी वो। उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत में भगवत गीता पढ़ती हूं और हिंदी में भी, लेकिन जो मजा मुझे उर्दू में पढ़ने में आता है हकी साहब की भगवत गीता का, मुझे ज्यादा मैं इसको मजा लेती हूँ उर्दू में पढ़ने में बनिस्बत, क्योंकि संस्कृत जरा मुश्किल जबान है। हाल वो भूल कर जाता ताल्लुक है भूलते अक्सर थे, अगर एक आध दफा ऐसा हुआ कि नाश्ते पे अखबार पढ़ते रहते थे, अंडा खाया दो अंडे जरूर खाते थे, हालांकि कोलेस्ट्रॉल भी था लेकिन बाकायदगी से दो अंडे खाते थे, अंडा खाया और फिर बोले भाई वो अंडा अंडा तो कोई आया नहीं, हमें और ही देर हम जा रहे हैं। तो इस तरह की भूल जरूर करते थे और अपनी भूल पे हंसना भी जानते थे। एक शेर उनका मैं आपको सुनाऊंगा, अपने आप पे हंसना जानते थे, जौके नजर के दम से गवारा है रंज अजीज़, खुद को भी देखते हैं तमाशा समझ के हम। जौके नजर के दम से गवारा है रंज अजीज़, खुद को भी देखते हैं तमाशा समझ के हम। तो सन 65 में वो गए लंदन, वहां पे मसूफियात बहुत थी, अक्सर अपने पाइप और बैग और बटवा टैक्सियों में और सबवेज में और मेट्रो में और ट्यूब में भूल जाते थे। तो बीबीसी लंदन से उन्होंने बच्चों के लिए नज़म लिखी जो मैं आपको सुना देता हूँ। दोस्त हैं अपने भाई बुलक्कर बातें इनकी सारी गड़बड़, दोस्त हैं अपने भाई बुलक्कर बातें इनकी सारी गड़बड़, राह चले तो रास्ता भूले बस में जाए तो बस्ता भूले, अपने हस्बे हाल लिखी थी। टहलने जाए छड़ी बुलाए, तैरने जाए घड़ी बुलाए, टोपी है तो जूता गायब, जूता है तो मोजा गायब, प्याली में है चमचा उल्टा फेर रहे कंका उल्टा और तो और पजामा उल्टा, सौदा लेकर दाम न देंगे दाम दिए तो चीज न लेंगे, कोई पुकारे दाम तो लाओ कोई कहे बंडल तो उठाओ, डाले खत बिन एड्रेस लिखे एक ना पहुंचा नौ दस लिखे, अम्मी को खत लिखते तो कहते तुमने जवाब नहीं दिया तो वो खत उनकी जेब से निकलते थे, डाले फिर कहते तो मेरी जेब में पड़ा था मैंने मेल नहीं किया, डाले खत बिन एड्रेस लिखे एक ना पहुंचा नौ दस लिखे, पहुंचे भी तो आखिर किस जा जेब भी लेटर बॉक्स है इनका, वो तो ये कहिए कि खुदा ने तन से आजाद जोड़ दिए हैं बांध दिए हैं सब कल पुरजे, वरना हर रोज आप ये सुनते, गिर गई मेरी दानी छुंगली ढूंढ रहा हूं बीच की उंगली, क्या कहिए औसान है गायब कल से दोनों कान है गायब, एक तो साबुन दान में पाया दूसरा जाने किसने उड़ाया, रानी की लिपटी शाल में निकली नाक बधी रुमाल में निकली, हाथों की है शहर में डूडिया आंखों की है शहर में डूडिया, हाथों का पिटता है डंडोरा, तुमने तो नहीं देखी भाई खूंटी भरती खाल हमारी, भूले कहीं सर और कहीं दर हाय बेचारे भाई भुलक्कर। एक बात जो मैं आखिर में आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत बामल आदमी थे ये, अपनी मौत के लिए भी पूरी तरह तैयार थे। मैं कोई उनके इंतकाल से 10-12 दिन पहले गया था कनाडा, तो मैंने उनसे बैठा हुआ था तो डॉक्टर आईस ने कहा कि डॉक्टर वी आर शिफ्टिंग यू टू पैलेटिव वार्ड कहलाता है, यहाँ पे हम उन मरीजों को रखते हैं जो
لاعلاج ان کا ہوتا ہے جو those who have less than 3 months to live. تو میں نے ان کے چہرے پہ ایک ڈر نہیں دیکھا, ایک مایوسی دیکھی, کیونکہ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے 3 سال مل جائیں تو یہ میں آکسفورڈ کی اردو ڈکشنری ختم کر جا رہا ہوں. بہرحال بس میں ایک شعر ان کا آخر میں پڑھوں گا آپ کے لیے جو مجھے بڑا پسند ہے. آیا نہیں پلٹ کے کوئی بھی گیا ہوا, آیا نہیں پلٹ کے کوئی بھی گیا ہوا, میں خود ہی جاؤں گا اب انہیں ڈھونڈتا ہوا. خوش رہیے.